आज का पति बेचारे की क्या दुर्गति है, जानते हैं क्यों? पत्नी कभी भी थाने में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस या 498 का केस आपके ऊपर डाल सकती है, और पुलिस पति महाशय को कहीं से भी उठा के ले जा सकती है, और फिर थाने ले जाकर तो दे धुलाई। और आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि यही कानून है। सच और झूठ का पता लगते लगते तो आपने खा लिया धुलाई, और आपकी इज्जत की हो गई धुलाई। और हमारे देश का अंधा कानून अक्सर इंसाफ तो करती नहीं है, बस फैसला सुना देती है। आपको पता है कुछ ऐसी भी पत्नियां होती हैं जो आपको धमकाएंगी, सावधान, मैं जैसा बोलती हूँ करो नहीं तो 498 लगा दो, 498 इससे तो शादी ना करना ही अच्छा। प्यार, मोहब्बत, समर्पण, इज्जत, क्या कानूनी जिम्मेदारी है या फिर पति पत्नी के आपस की जिम्मेदारी है? तो प्रणाम बंधु, दिल की बात में आप सब दिलदार का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हाँ, मगर एक चीज मैं पहले से ही कह देता हूँ, एक डिस्क्लेमर, इस मामले में बहुत सारे पतियों का भी बहुत दोष होता है, उनकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं। उन्हें तो मिलना ही चाहिए वो धुलाई जिसके वो हकदार है। इस एपिसोड का तो बस एक ही मकसद है कि कानून किसी बेकसूर के साथ गलती ना करे। कितना भयानक है ये दृश्य जिसमें पति पीड़ित और अत्याचारित है। कानून के रखवालों से मेरा ये सविनय निवेदन है कि या तो वो न्याय करें, या फिर कोई कानून अगर बाधा होती है तो उस कानून को बदल दें, फेंक दें, नए और अच्छे कानून ले आए इसके बदले में। क्या ये 498 उन पतियों के साथ जुल्म नहीं करता जो अच्छे इंसान हैं, और उन पत्नियों के हाथ को मजबूत नहीं करता जो इसका दुरुपयोग करती हैं?